वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं जी। हाथ में है इफ्तारी का सामान और यहाँ पे कुछ सिलाई का सामान है। मेरे पास पेपर पट्टी है और दो अदद नलकियाँ। मैं फातिमा के मैंने कहा कपड़े सीने शुरू करती हूँ। काफी दिनों से सोच रही थी लेकिन वो बस पीछे पीछे पड़ते जा रहे थे। और अफतारी का सामान मैं तो बच्चों से कहती हूँ कि कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि चूल्हा ना में इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि जी आजकल हमारा किचन जो है वो हमारे कब्जे में नहीं है, बड़ी ही दिक्कत आ रही है। लेकिन बच्चे फिर बात मेरी सुन के ना तो कुछ खामोश से हो गए, अजीब सा इम्प्रेशन दिया उन्होंने, जिससे मुझे लगा कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अभी बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ, देखें कब हमें किचन में थोड़ा सा टाइम मिलता है और हम अफतारी बना पाते हैं। मैंने सोचा जी किचन तो जब फारिग होगा तो होगा, उससे पहले ना बाकी चीज़ें हम तैयार कर लेते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी फ्रूट चाट मैक्रोनीस डाल के। शुरू के रमज़ान में तो बच्चों ने ना फ्राई चीज़ों पे ही ज़्यादा हाथ रखा है, मगर अभी ये कि मैंने उन्हें समझा लिया कि बेटा वो चीज़ नुकसान दे, तो ये जो मैं बना रही हूँ ना फ्रूट चाट मैक्रोनी डाल के कुछ मुरब्बे डाल के, तो ये माशाल्लाह पसंद करते हैं। लेकिन ये अच्छा अच्छा जेब काफ़ी दिनों से ना कह रहा था मामा किशमिश डालें तो आज लिया आया मुझे। चले मैं असल में ना वो मुरब्बे डाल लेती होती हूँ, फिर इसलिए किशमिश नहीं डालती, उसने कहीं खाई है ना इसलिए बार बार बोल रहा था। तो अभी जी मैं उनको जल्दी से धो लेती हूँ, इसे भी धोना पड़ेगा ना, ये भी ले जाते हैं। आजकल जी ने भाई किचन की हालात देख ले, सारी चीजें मैंने उठा के यहाँ रखी हैं और ऊपर मैंने दे दिया केस। और यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ जी मैक्रोनीस के लिए पानी मैंने रखा है और मैक्रोनीस बॉईल कर लिया। पीछे काम हो रहा है और मैंने भी दरवाजा बंद कर दिया ताकि अफतारी का कुछ इंतजाम हो सके, क्योंकि टाइम भी थोड़ा रहता जा रहा है। इसके बावजूद अंदर ना काफी डस्ट चल जाती है। थोड़ा सा जी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल ताकि मैक्रोनी जो है वो बॉयल होने के बाद जुड़े ना आपस में। मैक्रोनीस को मैंने चूल्हा बंद करके तो ऊपर ढक्कन दे दिया, तो अभी अच्छी हो गई है, इनको मैं पानी निकाल लेती हूँ। सारी चीजों की जी मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने ली है सेब केले अमरूद मैक्रोनीस और ये दो कलर के मुरब्बे लिए हैं, साथ मैंने खजूरों की कटिंग की है और किशमिश आलू के साथ पड़े हुए, लेकिन आलू मैं इनमें नहीं डाल रही हूँ, इनका कुछ और बनाएंगे हम लोग। फिलहाल जी हम इनकी जो है ना मिक्सिंग कर लेते हैं, इनको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे। एप्पल मैंने बारीक बारीक काट लिया जी, अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बनाना। इसमें अमरूद मैक्रोनीज
खजूर है। किशमिश मुरब्बे, रेड मुरब्बा और ग्रीन मुरब्बा। अभी जी हम बना लेते हैं क्रीम का मिक्सचर जो हम ऊपर डालेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ मायोनीज थोड़ी सी। क्रीम चीनी और थोड़ा सा दूध भी इसमें। इसको जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जो होती है ना क्रीम वो बहुत ज़्यादा जमी होती है, वैसे ना दानेदार सी हो जाती है जब इस स्टेज पे आती है ना, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। चम्मच के साथ होता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि वो मुझे मिल नहीं रहा जो हाथ वाला ब्लेंडर होता है ना, इसलिए फिर मुझे इसी से मेहनत करनी पड़ेगी। चम्मच से नहीं काम बना था जी, फिर महक फातिमा ने मुझे ये ढूंढ के दे दिया। मैंने तो इसने भी काफ़ी लिया, लेकिन ये कि क्रीम हमारी बहुत अच्छी तैयार हो गई माशाल्लाह। अभी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा क्रीम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्रीम चाट बनाए थे दे दिन हम क्रीम चाट बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरी की थोड़ी कमी लग रही है, लेकिन ये है कि अभी शाजेब चला गया बाहर, और वैसे भी जी अभी स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी है। क्रीम चाट तैयार हो गई है जी, मेरे नाम ही बदल दिया फ्रूट चाट, तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। फ्रिज में भी आजकल इतनी बची कुची चीजें पड़ी होती है ना, कभी शहरी में दही बच जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, दूध भी बच्चे नहीं ध्यान से पीते, फ्रिज में भी जगह ही नहीं होती आजकल। अभी हो गया असर की अजान, अभी हम पढ़ लेते हैं नमाज, फिर उसके बाद बाकी की जो तैयारी रह गई है वो करेंगे। आलू छील के तो मैं बना रही हूँ जी आलू के चिप्स, और अभी मैं इनको बेसन लगा के तो फ्राई करूंगी। सामने वालों को घर में बता रही है, बच्चे बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं फिलहाल।
दो दिन से जी किचन में हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने नहीं बनाया था सालन। दो दिन से हम शहरी में अंडे ही बना के गुजारा कर रहे थे, तो आज मैंने कहा थोड़ी सी ना दाल बना लेते हैं, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना रूटीन से हट के वो ज़्यादा दिन नहीं खाई जाती। आज बच्चे थोड़े उतार रहे थे कि मम्मा रोज आमलेट। आज मैं बहुत सादा से देसी अंदाज में बना रही हूँ ये दाल, क्योंकि दाल मुझे थोड़ा सा गोटा लगा के बनानी है चावलों के लिए, इसलिए फिर मैंने सारा कुछ के अंदर डाल के टाइम की कमी की वजह से ना सारा कुछ के अंदर डाल दिया, और बाद में मैं तड़का लगाऊंगा लहसुन का। अफ्तारी की तैयारी तो मैंने जी जैसे तैसे कर ही ली है, लेकिन ये है कि आज मोहल्ले में दो घरों में अफ्तारी की दावत आ गई थी इकबाल साहब को, तो वो बच्चों को लेके चले गए हैं उधर। अब पता नहीं तीनों बाप बेटा एक ही घर में गए या अलग अलग गए, तो आज फिर पता नहीं हमारी इफ्तारी कैसी होती, मुझे और मेरे पास को अकेले ही करनी पड़ेगी। चले हम अपना इंतजाम कर लेते हैं, हो सकता है आगे खा ही रहे थे। एक घर की इफ्तारी से तो हो गया खा रहे, और उन्होंने हमारे लिए भी चावल भेज दिए, और बच्चों को उन्होंने चावल पैक करके दो घरों में भेज दिए। ये बहुत अच्छा होगा ताकि सारे बच्चे अपनी फैमिली के साथ इफ्तारी करें, लेकिन दूसरे घर की जो इफ्तारी है ना वो शायद घर पर बिठा दें ही करवाएंगे, इसलिए अभी तक हमारे लोग नहीं आए, ना ही बाहर सब आए ना ही बच्चे आए। आज मैं और मैं पद्मा के लिए इफ्तारी करेंगे। दस्तरखान हमारा लग गया जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फैमिली वाले अभी तक नहीं आए हैं, और मैं बाद में इतनी उदास हो जाती है ना जब पापा और पापा खासतौर पर इसके इफ्तारी में मौजूद ना हो, तो ये पापा को ना 10-15 मिनट पहले आवाज़ देने लग जाती है पापा जी आ जाए पापा जी आ जाए, क्योंकि उनका कोई ना कोई काम निकला होता है और वो अक्सर लेट कर देते हैं। तो आज मैं फातिमा बड़ी उदास, और हमारी इफ्तारी में पानी नहीं है जी, वो लोग जल्दी से भागे और हमें पानी भी नहीं ला के ताज़ा ला के दे के गए ना, तो हो सकता है आए जी अभी कोई 5-6 मिनट हैं। तो आप हमें जी इसके साथ इजाजत मिलेगी इंशाल्लाह कल किसी और जैसे भी लोग में, अपना भी रखेगा जी बहुत सारा ख्याल, हमें भी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।